गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा 12th इंग्लिश की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, हमने प्रीवियस वीडियो में आपकी जो टेक्स्ट बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो फर्स्ट चैप्टर था, क्या था उसका फर्स्ट चैप्टर का नाम? द लास्ट लेसन, जो कि लिखा था अल्फोंसो ड्यूडेट ने। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट पढ़ा था और आज हम उसका सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सब अपनी फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक निकाल लें और उसके बाद अपन उसके सेकंड पार्ट को समझते हैं। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ओ द रैचेस, दैट वॉज व्हाट दे हैड पुट अप एट द टाउन हॉल। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर। I must stop there. Then, oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking words as or going sliding on the sar. My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the sands were old friends now that I couldn't give up. And M. Hamill too, the idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood. अब यहाँ पर जबकि M. Hamill बोलते हैं कि चूंकि जर्मनी की भाषा, अब आपको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी और फ्रांस भाषा जो है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है, वो आपको अब आज के बाद से नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सुन के जो नन्हा फ्रेंच रहता है वो क्या होता है, वो बोलता है व्हाट अ थंडर क्लैप। ये कोई शब्द जो थे वो मेरे किसी बिजली के गर्जन के समान थे। ओ द रैचेस, वो जो दुष्ट लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, ये बात कर रहे थे जो कि वो टाउन हॉल में लगा के रखे थे। तो उसको ये लगा कि जो टाउन हॉल में बुलेटिन बोर्ड पे जो नोटिस लगा था वो शायद इसी चीज के लिए लगा हुआ था। माय लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा फ्रेंच भाषा का आखिरी पार्ट। क्यों? अभी अभी तो मैंने क्या किया था, अभी अभी तो मैंने लिखना मुझे नहीं आता था अच्छे से, और मैं और अधिक सीख भी नहीं पाऊंगा इसके आगे। क्या मुझे वहाँ सब बंद कर देना चाहिए? मतलब फ्रेंच बोल रहा कि अरे, ये मेरे फ्रांस भाषा का जो आखिरी पार्ट है, अभी तो मैंने मुश्किल से लिखना सीखना चालू किया था, अब मैं इसको आगे नहीं पढ़ पाऊँगा और मुझे यहीं पर इसको बंद कर देना चाहिए। मुझे बहुत दुख हो रहा था। कितना दुख हो रहा था? कि मैं अपने लेसन्स को याद नहीं करता था। क्यों नहीं करता था? क्योंकि वो बच्चा था तो क्या करता था, सीकिंग बर्ड्स एग्स, वो चिड़ियों के जो अंडे हैं उनके में पूरे दिन भर चिड़ियों के अंडे ढूंढता रहता था। या सार नदी, फ्रांस में सार नदी बहुत फेमस रिवर का नाम है, तो मैं सार नदी के किनारे क्या करता था, फिसलता था, घूमने जाया करता था। मेरी जो बुक्स थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा पहले क्या लगती थी, सिरदर्द लगा करती थी, मुझे बहुत बोझ लगा करती थी ले जाने में, वो सब अब मुझे कैसी लग रही थी, अब वो मुझे पुराने मित्र लग रही थी। मतलब जो मेरी किताबें थी वो मुझे सिरदर्द लगा करती थी, उठाने में भारी लगती थी। मेरी व्याकरण की पुस्तक, मेरे जो सेंट्स, जो ऋषियों के इतिहास वाली पुस्तक, अब मुझे पुराने मित्रों के समान लग रहे थे, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। और जो मिस्टर हैमिल, वो भले ही जिन्होंने ये कहा कि अब वो हमें छोड़ कर जा रहे हैं और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मैंने भी उनकी सारा, उनका जो रूलर था उसको भूल चुका था। और वो कितने मतलब रूढ़ स्वभाव, बुरे स्वभाव वाले होते थे, ये सब भी मैं भूल चुका था। तो मुझको मिस्टर एम एन मेमिल के जाने का भी दुख लग रहा था। पुअर मैन, इट वॉज इन ऑनर ऑफ दिस लास्ट लेसन दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लोथ। बेचारे वो व्यक्ति जो कि सब क्यों आए थे, आखिरी पार्ट के सम्मान में आए थे। एम हेमिल ने भी क्या किया था, जो वो फाइन संडे क्लोथ्स का मतलब होता बेटा, ऐसे विशेष वस्त्र जो हम किसी विशेष ओकेजन में पहनते हैं, जो हमारे सबसे अच्छे कपड़े रहते हैं और हम वो किसी सिलेक्टेड अवसर पे पहना करते हैं, उनको संडे क्लोथ्स कहा जाता है। तो उन्होंने कहा अच्छा, तभी उनने ये इतने अच्छे संडे क्लोथ्स यानी इतने विशेष कपड़े पहने हुए थे, अब मुझे वो सब समझ में आ रहा है। नाउ आई अंडरस्टूड वाई द ओल्ड मैन ऑफ द
village were sitting there in the back of the room. It was because they were sorry too that they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was there no more. While I was thinking of all this, I heard my name called. It was my turn to recite. What would I not have given to be able to say the dreadful rule for the participles all through, very loud and clear, and without one mistake, but I got mixed up on the first words and stood there, holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. अब क्या है यहाँ पर फ्रेंड बोल रहा है कि मैंने देखा आखिरी पाठ के सम्मान में उन्होंने अच्छे वस्त्र पहने हुए. अब उसको समझ में आया कि जो गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं वहाँ कमरे में पीछे की तरह क्यों बैठे थे और वे सारे उदास भी थे क्योंकि वो सब ज़्यादातर स्कूल नहीं आते थे. हमारे टीचर एम हेमल को वो थैंक यू करने का उनका एक तरीका था क्योंकि एम हेमल ने अपनी कर्तव्यनिष्ठ 40 वर्ष की सेवा की और देश के प्रति उनका सम्मान व्यक्त करने का तरीका ये एक प्रदर्शित करने का तरीका रहा है. जब मैं इन सब के बारे में सोच रहा था तभी एम हेमल ने मेरा नाम पुकारा. अब मेरी पाठ सुनाने की बारी मेरी आ गई. कौन से पाठ सुनाने की? पार्टिसिपल्स. प्रदंत के जो भयानक नियम थे मैं चाह रहा था कि मैं उनको ऊंचे और स्पष्ट स्वर में बिना कोई गलती किए पूरा कह सकूं. क्या मैं तैयार था इस चीज़ के लिए? निश्चित रूप से तैयार नहीं था. क्यों? क्योंकि उसने तो उसका पार्टिसिपल का फर्स्ट वर्ड भी नहीं पढ़ा था. लेकिन जैसे ही वो उठा उसको लग रहा था कि शायद मैं इसको पूरा पढ़ दूं और बिना कोई गलती करे पढ़ूं. लेकिन जैसे ही उसने पढ़ा वो सब कुछ मिक्स कर दिया उसने एक शब्द के बाद और वो अच्छे से नहीं पढ़ पाया. अपने ही शब्दों में उलझ गया और वो अपने डेस्क को पकड़ करके खड़ा हो गया. उस समय उसका जो फ्रेंड्स का हृदय था दिल था वो हृदय वो बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था और उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर सिर करके देख सके. तब क्या होता है आगे? I heard M. Hamel say to me, I won't scold you, little friends. You must feel bad enough. See how it is. Every day we have said to ourselves, Wow, I have plenty of time. I will learn it tomorrow. And now you see where we will come out. Ah, that's the great trouble with Alsace. She puts off. अब यहाँ पर जैसे ही फ्रेंच अपना लेसन कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसने एम हेमल को बोलते हुए सुना कि मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा फ्रेंड्स. नन्हे फ्रेंड्स मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा. क्यों नहीं डांटूंगा? क्योंकि अब तुम खुद ही तुमको खुद बुरा लग रहा होगा अपने बारे में. मुझे नहीं बताना. अब तुम देख सकते हो कि हर दिन हम अपने आप से क्या कहते हैं कि वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. मेरे पास बहुत सारा समय है. मैं इसे कल सीख लूँगा. और अब तुम देखो कि इसका क्या रिजल्ट दिखा. लर्न इट टुमारो नाउ यू सी वेयर वी कम आउट. अब हम कहाँ आ गए? अब क्या रिजल्ट तुमको दिखाई दे रहा है? ये सिर्फ तुम्हारी ही बात नहीं है. मैं कल से सीखूंगा. ये सब तुम्हारी अकेले की बात नहीं है. ये अल्सेस के सबके साथ ये बड़ी मुसीबत है. यहाँ बनकर Learning till tomorrow. Now those fellows out there will have the right to say to you, How is it you pretend to be Frenchmen and yet you can neither speak nor write your own language. But you are not the worst, poor little French. We have all a great deal to reproach ourselves with. Your parents were not anxious enough to have you learn. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. Have I not often. अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि हम सब कल पर सीखने के लिए टाल देते हैं. तो फ्रेंड्स ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की दिक्कत नहीं है. ये पूरा अलसेस है. ये भी क्या करता है? आज का काम आज न करके कल पर टाल देता है. तो जो बाहर के लोग हैं, बाहरी लोग का मतलब यहाँ पर जो प्रशिया के लोग हैं जिन्होंने कब्जा कर लिया तुम्हारे, उनको ये अधिकार है कि वो तुमसे बोलें कि तुम सिर्फ एक फ्रेंच वासी होने का, एक फ्रेंच मैन होने का दिखावा करते हो.
तुम ना तो अच्छे से फ्रेंच भाषा बोल सकते हो और ना ही तुम अपनी भाषा को लिख सकते हो। बट यू आर नॉट द वर्स्ट, तुम अकेले ही इतने बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंच। हम सब इसी चीज़ के लिए खड़े हैं तुम्हारे साथ में, मतलब ये जो पूरा एलसेस है ये सब, और तुम भी, तुम सब क्या है इस चीज़ के लिए दोषी हो कि तुमको फ्रेंच भाषा नहीं आती, ना तो तुम उसको लिख सकते हो और ना ही तुम उसको ठीक प्रकार से बोल सकते हो। तुम्हारे पिता को भी चिंता करना थी तुम्हारे, अब वो कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता भी उतने ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारे को पाठ या सीखने के लिए कभी प्रेरित नहीं किया, कभी चिंतित नहीं दिखे। उन्होंने तुमको कहीं काम करना ज़्यादा पसंद किया, किसी फार्म हाउस में काम कराना या मिल में काम कराना, जिससे कि उनको कुछ ज़्यादा पैसा तुमसे प्राप्त हो सके। मतलब तुम्हारे माता पिता ने भी तुम्हें अपनी भाषा सीखने के लिए प्रेरित नहीं किया। एंड आई, और मेरा, मैं भी इस चीज़ के लिए दोषी अपने आप को मानता हूँ। अब एम हैमिल कैसे अपने आप को दोषी मानते हैं ये देखते हैं। तो वो बोलते हैं कि एंड आई ऑल्सो ब्लेम्ड मी, हैव आई सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स, एंड वेन आई वॉन्टेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful. अब यहाँ पर जो M. Hamel थे उन्होंने खुद बोला कि नहीं, हम भी अपने आप को उतना कोस सकते हैं, और मैं खुद इस चीज़ के लिए दोषी रहा हूँ। मैंने कई बार तुम्हें पाठ को याद करने के बजाय अपने गार्डन के फूलों को पानी देने के लिए बोला, मतलब वो अपने जो गार्डन में जो फूल के प्लांट्स थे उनमें पानी देने के लिए फ्रेंड्स को भेज दिया करते थे, उतनी देर में वो अपना पाठ याद कर लेता। जब भी वो मछली पकड़ने जाते तब भी वो क्या कर देते, उन बच्चों को छुट्टी दे दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं जो एम हैमिल है वो भी इस चीज़ के लिए दोषी हैं। बच्चों इससे एक क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फिर एक के बाद एक दूसरी बात वो करते हुए जो एम हैमिल है वो फ्रांसीसी भाषा की बातें करने लगे। अब उन्होंने क्या बताया फ्रांसीसी भाषा या फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, इट वॉज मोस्ट ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। कैसे, मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ये विश्व की सबसे सुंदर भाषा में से एक है। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एनस्लेव्ड मतलब गुलाम, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, देन ही ओपन्ड अ ग्रामर एंड रीडर्स अवर लेसन्स। आई वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी, सो ईजी। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन एवरी थिंग विद सो मच पेशेंस। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि एम हैमिल बताने लगते हैं कि जो फ्रांसीसी या फ्रेंच भाषा है जो वो विश्व की सबसे अच्छी भाषा है, एकदम स्पष्ट, सबसे ज़्यादा तर्कपूर्ण, और हमको इसको अपने बीच में संभाल कर रखना चाहिए। मतलब जो जिस देश का निवासी है उसको अपनी भाषा का सम्मान करना चाहिए, उसको बना के रखना चाहिए, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि जब भी लोग गुलाम बना दिए जाते हैं और जब तक वो अपनी भाषा को अपनाए रहते हैं तो ऐसा होता है कि वो उस जेल में भी रह करके अपनी चाबी अपने हाथ में रखते हैं। मतलब वो जेल में बंद होते हुए भी अपने आप को स्वतंत्र मान सकते हैं यदि उनकी भाषा उनके साथ है। उसके बाद एम हैमिल ने व्याकरण की एक पुस्तक खोली और हमको उसके पाठ पढ़कर सुनाए, और जो फ्रेंच था वो बहुत आश्चर्यचकित था कि उसको कितनी जल्दी ये सब चीज़ें समझ में आ रही थी। बहुत जल्दा उसको लग रहा था कि जो व्याकरण है सो इजी, बहुत इजी है, और मुझे लगा कि मैंने कभी भी इसके पहले इसको इतने ध्यान से नहीं सुना था। मतलब जब भी एम हैमिल पढ़ाते तब वो इतना ध्यान से नहीं सुनते थे, इसलिए उनको समझ में नहीं आती थी। या फिर उसने एक और कारण दिया कि हो सकता है कि इतने पेशेंस, इतने धैर्य के साथ जो एम हैमिल आज हमें पढ़ा रहे हैं, इसके पहले उन्होंने ऐसा पढ़ाया भी ना हो। तो ये कितनी बात उन एम जो फ्रेंड्स है वो समझ रहा था। अब इसके बाद आगे क्या होता है, आगे इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे
and to put it all into our heads at one stroke. After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us. अब यहाँ पर उन्होंने बताया कि व्याकरण की पुस्तक खोली और पाठ पढ़कर सुनाए और फ्रेंड्स को बहुत अच्छे से समझ में भी आया. तो फ्रेंड्स बोलता है कि इतना ध्यानपूर्वक मैंने भी नहीं सुना और एम हैमिल ने भी हमें इसके पहले कभी समझाया नहीं. वो जो बेचारे एम हैमिल थे, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि वो एक साथ हमको सारी भाषा सारी बातें एक साथ सिखा दें. व्याकरण के बाद हमको लिखने का एक पाठ करवाया गया. एम हैमिल उस दिन हमारे लिए न्यू कॉपी लेकर आए थे. अब वो कैसी कॉपी लेकर आए थे इसको आगे देखें.